युवक से 80,000 की झपट मारी। बाइक सवार दो लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जल्द गिरफ्तारी का कर रही दावा। बोकारो में अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं और बोकारो पुलिस अंधेरे में तीर मारकर अपराधियों की तलाश में घूम रही है। आज एक बार फिर बाइक सवार अपराधियों ने कोऑपरेटिव कॉलोनी से दवाई दुकान के मालिक नरेंद्र कुमार सिंह से लूट की। उनके घर के सामने 80,000 रुपए छीनकर अपराधी भाग खड़े हुए। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, कुछ ही दूरी पर लोग भी खड़े थे, लेकिन लोग अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहे। वहीं पीड़ित ने बताया कि वो अपने घर से स्कूटर लेकर पहले बगल में ही स्थित एक्सिस बैंक से 40,000 की निकासी की और बाद में केनरा बैंक से 40,000 रुपए निकाले, जिसके बाद नरेंद्र कुमार अपने घर के सामने पहुंचा तो एक बाइक पर सवार होकर दो अपराधी आए और स्कूटर में रखा प्लास्टिक का बैग लेकर भाग गए। एक्सिस बैंक से पैसा निकाले शकुंतला देवी के नाम से थी और वहाँ से 40,000 रुपये निकाले यहाँ से, और उसको निकाल के हम गए वहाँ केनरा बैंक, और वहाँ पर निकाले उसको, चिंते हैं, देखे भी है, जितनी पीछा करा था वो जितनी बार देखे हैं, और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, रखे हैं दिग्गी में, और घेरा पर जब पहुँचे हैं तो प्लास्टिक निकाले हैं, प्लास्टिक में था सब।